Hi guys, this is Dr. Anjali. Welcome or welcome back to my YouTube channel and I hope guys are doing good today. तो friends, आज हम बात करने जा रहे हैं. आज मैं आपको होम्योपैथिक के ऐसे टॉप 4 अल्फा अल्फा टॉनिक बताऊंगी, यानी कि जनरल टॉनिक है आपकी सेहत के लिए, आपकी चुस्ती फुर्ती के लिए, कमजोरी के लिए, वजन बढ़ाने के लिए. जनरल टॉनिक बहुत ही अच्छा है जो फिजिकल स्फीयर पे एज वेल एज मेंटल स्फीयर पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. कौन कौन से वो सिरप है, कौन कौन सी ब्रांड के हैं होम्योपैथिक सिरप है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ मैं इनको रेटिंग करूंगी, फर्स्ट से लेके फोर तक की रेटिंग और सबसे पहले नंबर पे यानी कि सबसे अच्छा कौन सा है वो भी हम जानेंगे. तो वीडियो में बने रहिए और लेट मी स्टार्ट द वीडियो. शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और वो वीडियो मिस नहीं होगा आपसे. साथ ही साथ लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी करिएगा. तो लेट्स बी बिगिन. सबसे लास्ट में नंबर 4 जो टॉनिक जो सबसे लास्ट में मैंने रखा है वो है दोस्तों SBL का अल्फा अल्फा टॉनिक विद जिंसिंग. तो ये जो है इसमें जिंसिंग एड है और साथ ही साथ इसके अगर मैं आपको प्राइस की बात कराऊं तो ये आपको डिफरेंट वेराइज करता है आप कौन सी साइज ले रहे हैं, जैसे 100 ml ले रहे हैं, 200 ml ले रहे हैं या फिर आप 450 ml की पैकेजिंग ले रहे हैं. अगर आप 450 ml की पैकेजिंग लेते हैं तो आपको 300 अराउंड इजीली मिल जाता है मार्केट में. साथ ही साथ इसके यूजेस की बात करें तो ये दोस्तों आपको अगर बहुत ज्यादा कमजोरी थकान लगती है, यानी कि आप बहुत ज्यादा वीकनेस आपके अंदर है, कोई सी भी आपको डिजीज रही है उसके बाद अगर आपको एकदम से थकान कमजोरी लगने लग गई है शरीर में, उसके साथ अगर आपको जो है स्लीपलेसनेस होता है, नींद प्रॉपरली नहीं आती है, स्ट्रेस हमेशा दिमाग में एक तरह का टेंशन चलता रहता है, साथ ही साथ जनरल वीकनेस हो एंड उसके साथ साथ अगर आपका वेट भी कम हो यानी कि लॉस ऑफ वेट हो रहा हो, साथ ही साथ खाना आपको नहीं लगता हो, आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती, तो इस एपिटाइटर भी ये बहुत अच्छा काम करता है. लेकिन अगर हम बात करें अल्फा अल्फा टॉनिक होम्योपैथिक में दोस्तों बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के आते हैं, लेकिन मैंने इसको नंबर 4 पर रखा है क्योंकि इसके अंदर जिंसिंग और जिंसिंग कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स के लिए सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि बहुत सारे पेशेंट में कभी एलर्जी कॉज कर देता है. इसको थोड़ा लास्ट में रखा है. और अब बात करें दोस्तों इसको कैसे लेना है, तो आप नॉर्मली जो है आपको अगर चिल्ड्रंस को दे रहे हैं तो इसकी 1 teaspoon जो है 2 times a day लेना है, यानी कि 1 चम्मच भर के इस सिरप को दिन में 2 बार देना है. जरूर ध्यान रखिए आधे घंटे खाना खाने के बाद दीजिएगा, और जैसे लंच करते हैं उसके आधे घंटे बाद दे दीजिए और एक डिनर करते हैं उसके आधे घंटे बाद दे सकते हैं. और एडल्ट्स अगर ले रहे हैं तो 1 चम्मच भर के दिन में 3 बार TDS लेना. नंबर 3 पे जो मैंने रखा है दोस्तों वो है बैक्सन कंपनी का अल्फा अल्फा टॉनिक. ये भी विद जिंसिंग के साथ आता है, तो सेम कंडीशन की वजह से मैंने इसे नंबर 3 पे रखा है. साथ ही साथ इसका मेन यूजेस दोस्तों वो है आपकी एनर्जी को बूस्ट करना, आपकी सिस्टम को बूस्ट करना, आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जो भी कीटाणु इन्फेक्शन बैक्टीरिया से लड़ने की जो हमारे शरीर के अंदर ताकत होती है तो उसे बढ़ाता है, साथ ही साथ आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, स्टैमिना को बूस्ट करता है एंड ऑल्सो एपिटाइट को भी बढ़ाता है, यानी कि जो भूख नहीं लगती है उससे भी ये बढ़ाता है. अगर हम बात करें इसके प्राइस की दोस्तों तो ये आपको 110 अराउंड इजिली मार्केट में मिल जाएगा, 110 रुपए के अराउंड आपको 100 ml की पैकेजिंग में. और 100 ml लेते हैं तो आपको आराम से 1 महीने तक चल सकता है, तो आप बिल्कुल बेशक 100 ml भी इसका यूज कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अब मैंने नंबर 3 पे जो अल्फा अल्फा टॉनिक रखा है वो है दोस्तों शोबे कंपनी का. पर्सनली मैं इसे रिकमेंड करती हूँ एंड आई गेट अ गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस टॉनिक, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड टू यू, बिकॉज ये एक ऐसा टॉनिक है जो स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए भी बनाता है और स्पेशली एडल्ट्स के लिए भी सेपरेट आता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. इसका यानी कि एक शुगर फ्री अल्फा अल्फा टॉनिक भी आता है जो शोबे बनाती है, जो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए अलग है. अगर आप चिल्ड्रंस को अगर एज अ जनरल वीकनेस अगर उनको रहती है जनरल टॉनिक देना चाहते हैं उनके एपेटाइटर के लिए, उनके वजन बढ़ाने के लिए, तो आप शोबे का जरूर से जरूर दीजिएगा जो स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए आता है अल्फा अल्फा टॉनिक. और एडल्ट्स ले रहे हैं तो एडल्ट्स के लिए लीजिए शोबे का जो अल्फा अल्फा टॉनिक. दोस्तों ये जो ऊपर मैंने दो बताए हैं आपको, जैसे कि एक तो मैंने बैक्सन का बताया है, SBL का बताया है जिंसिंग वाला, तो इन दोनों में से सबसे अच्छे रिजल्ट शोबे के हैं मैं आपको ये बता रही हूं. साथ ही साथ दोस्तों ये फिजिकल मेंटल वीकनेस जो होती है, शारीरिक थकान हो चाहे फिजिकली बॉडी से या फिर मानसिक का थकान हो, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन रहती हो, एकदम कमजोरी सी थकान थकान लगती है, थोड़ा सा भी काम करोगे और ऐसा लगेगा कि आपको मतलब बिल्कुल थक चुका है शरीर, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है आपसे, या फिर अगर आपको खून की कमी ही क्यों ना हो गई हो गर्ल्स के अंदर तो जनरल वीकनेस की वजह से, या फिर अगर कोई ऐसी बीमारी रही है जिसके बाद आपको बहुत कमजोरी होने लग गई हो, उसके लिए साथ ही साथ
खाना आप खाते हो लेकिन आपके शरीर को नहीं लग रहा है, तो वो वजन बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा उपयोगी है। तो आपको जरूर इसका सेवन करना चाहिए। इसके डोज भी बहुत आसान है, जैसे कि चिल्ड्रंस को दे रहे हो तो जो है हाफ टी स्पून लगभग, अगर 5 साल से नीचे हो तो आधी चम्मच भर के दिन में 2 बार दे सकते हैं उन्हें खाना खाने के बाद। और अगर वो 5 साल से ऊपर हैं और 10 साल से नीचे के हैं, 5 to 10 के एजेस की बात करें, तो 1 teaspoon 2 times से दे देना है। और अगर 10 साल से बड़े बच्चे हैं या फिर 10 साल से बड़ी उम्र में हैं, तो उसमें आपको उन्हें 1 चम्मच भर के दिन में 3 बार देना है, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद एंड देन डिनर के बाद। और इसकी प्राइस भी बहुत जो है अफोर्डेबल है, 120-130 अराउंड से मिल जाएगा आपके होम्योपैथिक स्टोर पे, या फिर मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से भी आप इजीली परचेस कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको इसी रेंज में अराउंड मिल जाएगा। तो अफोर्डेबल प्राइस में है, जरूर से जाके खरीदिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है सारे ही अल्फा अल्फा टॉनिक की। इनफैक्ट ये आपके डाइजेस्ट सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, यानी कि पचन क्रिया जो होती है हमारी, खाने की पचन क्रिया, तो उसे बढ़ाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है न्यूट्रिशंस का, तो हमारे शरीर को अच्छा खाना लगता है। अब हम बात करते हैं हमारा नंबर टॉप, यानी कि नंबर 1 अल्फा अल्फा टॉनिक, जो आपको बेसब्री से इसका इंतजार था, वो है दोस्तों R95, जो एक अल्फा अल्फा टॉनिक है, जो जर्मन कंपनी का है। बहुत ही अच्छा टॉनिक है, और मैं पर्सनली ये मानती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप जितने भी इंडियन टॉनिक ले रहे हैं, चाहे वो आपको कम प्राइस में ही क्यों ना मिल रहे हों, लेकिन आप उसकी 2 या 3 बॉटल खत्म करें, इससे अच्छा तो आप जो है अल्फा अल्फा टॉनिक एक ले, लेकिन अच्छा ले, वो जर्मनी का। अगर आप हाफ बॉटल भी विद इन अ मंथ लेते हैं ना फ्रेंड्स, आपको जो कमजोरी थकान है उसमें, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा अगर आप दूसरे लेते हैं उसके कंपैरिजन में। उसके साथ साथ आपकी भूख भी बढ़ेगी, आपका वजन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आप में स्टैमिना भी बूस्ट होगा। इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 490 अराउंड मिल जाता है, जो 250 ml के अराउंड इसकी पैकेजिंग होगी। इसमें मेंशन भी है, अगर आप प्रेगनेंसी की टाइम, आपका पीरियड चल रहा है, प्रेगनेंसी चल रही है, या फिर आफ्टर लैक्टेशन, यानी कि मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए भी जो नर्सिंग वुमेन होती हैं, जो दूध पिलाने वाली माएं होती हैं, तो उनमें भी जो कमजोरी रहती है, तो उनके लिए एज ए सप्लीमेंट भी बहुत अच्छा काम करता है, जो उनके शरीर में न्यूट्रिशन और विटामिन को प्रोवाइड करवाता है, एंड ऑल्सो डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, खाना पचने को भी इम्प्रूव करता है, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा जनरल टॉनिक है। तो ये बहुत अच्छा है, आपको लेना चाहिए, स्पेशली चिल्ड्रंस और एडल्ट की एज में तो बहुत ही अच्छा काम करता है, और वुमेन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर उनको एनीमिक वुमेन है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो भी आप बेशक इसका ले सकते हैं, आपको विद इन अ मंथ के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस सिरप के, तो आप जरूर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब बात करें डोसेज की, तो डोसेज भी सेम है जैसे मैंने प्रीवियस में बताया अल्फा अल्फा टॉनिक में, तो वैसे ही आपको भी लेना है फॉर चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स के लिए। तो अब बात करते हैं हमारे क्यूएनए सेशन की, यानी कि कुछ आपके क्वेश्चंस थे तो उनके मैं आंसर आपको कर देती हूं। चलिए फटाक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कितने महीने लेना है जोंडिला। ओके, तो जोंडिला सिरप कोई सा भी लीवर टॉनिक अगर आप लेते हैं, तो उससे लगभग जो है 3 महीने तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, यानी कि अप्रोक्स 3 मंथ आप कंटिन्यू कीजिए उससे। अगर उससे जल्दी आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो बेशक आप बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी लीवर संबंधी या डाइजेस्ट संबंधी जो भी परेशानी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो एटलीस्ट आपको 3 महीने तो लेना ही चाहिए। तो नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हेलो मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मेरे फेस पर हेयर हैं, तो क्या मैं REPL 53 ले सकती हूँ? ऑफकोर्स ये मेरा वीडियो है, REPL ड्रॉप है 53, जो एक हिस्टोरीज प्रॉब्लम, यानी कि फेशियल हेयर जो अनवांटेड महिलाओं के ना आने लग जाते हैं, तो उसके ऊपर ये ड्रॉप बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम चाहिए नहीं हो, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा फेशियल हेयर्स हैं आपके फेस पे, तो आप बेशक ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपके नियरेस्ट जो फिजिशियन है उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको फेशियल हेयर्स हैं, तो आप ले सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है, मैम मेरे फेस पर राइट साइड ब्लू ग्रीनिश कलर के, क्या मैं यूज कर सकती हूँ? प्लीज रिप्लाई मैम। ओके, ये क्वेश्चन है बर्थमार्क के लिए, यानी कि बर्थमार्क जो हो जाते हैं बचपन से, तो उसके लिए है। तो बेशक जो है आप फेस पे अगर आपको है राइट साइड कहीं पर भी हो, चाहे ब्लूइश ग्रीनिश कलर के हो, तो जो मैंने वीडियो बनाया है तो उस वीडियो को अच्छे से देखिए, जैसे जो जो मेडिसिन बताई है उसको जैसे लगाने के लिए बताया है, तो प्रॉपर आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है, मैम माई एज 31, मेरी दिस डिजायर कम्प्लीटली निल हो गई है, एंड इरेक्शंस भी नहीं होता है, एंड दिस रिट्रैक्ट्स रिलैक्स हो गया है, एंड मैम कौन सी मेडिसिन ठीक रहेगी,
प्लीज ओके. तो इस प्रॉब्लम के लिए जो मैंने आपको क्वेश्चन पुट कर दिया है स्क्रीन, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है फ्रेंड्स, जिसमें मैंने मेल्स प्रॉब्लम जो होती हैं उसके लिए एक कॉम्बिनेशन बताया है. तो आप जरूर जाइए मेरे चैनल पे और उसे देखिए, और उसमें जो जो मेडिसिन है वो घर लाइए और बनाइए उसको, और जैसा बताया वैसे लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे. एंड फिर भी डिजायर नहीं रहती हैं तो उसके लिए आप जो है एक डेमियाग्राफ फॉर ड्रॉप आता है तो उसका यूज जरूर कर सकते हैं. इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के आपको दिन में 2 बार तक उपयोग करना ही है. एक सुबह लीजिए और एक रात में सोते हैं उससे पहले लीजिए, तो इससे जो डिजायर है वो भी बढ़ती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम इस पे वीडियो बना दीजिए या मुझसे बात कर लीजिए. ओके, ये जो क्वेश्चन दोस्तों पीसीओडी के प्रॉब्लम के ऊपर है, मैंने एक्चुअली आपको रिप्लाई कर दिया है. जो भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है, जैसे मैंने आपको फॉलिकुलिनम बताई है और साथ ही साथ उसके साथ मैंने आपको एक पीसीओडी का जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करना बताया है, तो ऑफकोर्स वो कॉम्बिनेशन भी लीजिए. उसके साथ फॉलिकुलिनम जो 200 पोटेंशियम बताइए तो वो भी लीजिए, और उस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा अच्छे से देखिएगा. जैसे डोज है वैसे के वैसे ही लीजिएगा, यकीन मानिए आपको ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा. तो आप बेशक 1-2 महीने तो इसका उपयोग कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आपके नियरेस्ट जो फिजिशियन है उनसे आप एडवाइस कर सकते हैं. फ्रेंड्स, आई होप आपको जवाब मिल चुके होंगे, और आपकी अगर और कुछ भी क्वेरीज हो तो फॉर नेक्स्ट वीडियो जब भी संडे को अपलोड होता है तो उसमें मैं आपके आंसर्स करूंगी. तो आप प्लीज अपना कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा, और जाने से पहले दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिएगा और वीडियोस को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर दीजिएगा. तो शेयर भी कीजिएगा जो भी नीडी पर्सन है उनके साथ, जिनको जरूरत है वीडियो की उन तक पहुंचाइएगा. तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद.